बड़े भाई प्रमोद भाई हैं, सुजीत भाई हैं, हम लोग शुरू से ये लोग जो हैं बांका जिला में अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम को अंजाम दे रहे हैं। तो इस अच्छे काम को अंजाम देने के लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैं भी इनके साथ रह के देख लिया हूँ कि काम करने के वक्त कोई साथ नहीं रहता है, और जब काम हो जाएगा ना तो वो उधर से व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि मेरे तरफ से ये काम हुआ, वो उधर से मैसेज कर रहे हैं कि मेरे तरफ से वो ये काम हुआ, लेकिन वहाँ करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग जहाँ हैं मिलके रहें, और जो हम जो शिक्षक हमसे लगा हुआ है उनको भी लाने का काम करें और मूल को लेके चलें, और जहाँ तक हम लोगों से हो सकेगा हम लोग साथ हैं और किसी भी वक्त में साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी काम रहेगा। और ऐसा है कि आगे का डेट भी निर्धारित किया गया है, जो पद जहाँ पर खाली है उसके लिए चयन भी होना है, तो चयन हो करके इसको सही तरीके से चलाना है और हम लोग को साथ चलना है। बढ़ाते हुए थोड़ा सा विचार हम सुभाष बाबू से भी मांगना चाह रहे हैं, दो शब्द आप भी उनको, बुद्धिजीवी हैं और हमारे संघ संगठन सही ढंग से रहे और सही ढंग से फिर आगे की रणनीति जो हमारे जिला कोषाध्यक्ष महोदय जो रखे कि अगला डेट हम लोग रखेंगे उस पर भी फोकस करते हुए कुछ रखें। चतुर्दिक प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण बसंत को आभा बिखेरने वाला मंदार पर्वत के आंचल में बसे बांका गेस्ट हाउस में मैं सुभाष कुमार मंडल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो चीज हम संगठन में आस्था रखते हैं लेकिन बहुत कम मेरा प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जो चीज हम बाहर में रहते हुए महसूस किए कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति संगठन से जुड़े, उसमें वो गुण है कि वो हम लोग को बासी भोजन भी प्यार से खिला देता है कि मेरा समुदाय उसका गुणगान करके रखता है, और हम लोग में कुछ कमी है, चाहे प्राकृतिक कमी रहे, हम लोग को जेनेटिक असर मिलता है, लेकिन हम लोग उसको ताज़ा भी भोजन खिलाने के लिए तैयार है तो भी उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आज खास करके ये तीन चेहरा पाता प्रखंड का इतना हाईलाइटेड होने का देन है, ये संघ का देन है कि तीन चेहरा बांका प्रखंड में उनकी जिला पक्ष है मनीष कुमार जिला भारत। आज संघ के देन से ये तीनों को जिला में डालना रहता है। खैर उसका आस्था अब जिसके साथ है उसका प्रश्न विशेषाधिकार, मेरा ये कहना है कि जब भी संगठन कैसे बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये अंतिम जिस तरह राजनीति में कहा जाता है ऊपरी तौर पर कहा जाता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए,